हेलो फ्रेंड्स, कुक विद राधा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर। शाही पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया और इसको ऐसे टुकड़े कर लिए मैंने पनीर के। एक तेज पत्ता लिया है, दो लौंग लिए, 5 से 6 काली मिर्च लिए साबुत, एक जावित्री लिए, एक बड़ी इलायची लिए और एक टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 2 चम्मच मलाई लिए। या मलाई मैंने दूध पे से उतार ली है। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज की प्याज ली है और ये 10 से 12 काजू लिए, इसे मिक्स करके पीस लिया है। एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसमें मैंने 2 हरी मिर्च मिला करके पीस लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 2 चम्मच हरा धनिया लिया है, इसे साफ पानी से धो लिया, बारीक काट लिया है, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चुटकी हींग ली है, 1/4 चम्मच जीरा लिया है। यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन लिया है, इसे मैंने कूट लिया है दोनों को मिक्स करके। 1 चम्मच नमक लिया है स्वाद अनुसार, आधा कप ऑयल लिया है। चलिए शाही पनीर बनाना शुरू करते हैं। गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं, गर्म हो चुका है, अब इसमें हम जीरा डाल देंगे और मैंने यहाँ पर साबुत मसाले लिए थे, इनको सबको डाल देती हूँ। इनको हम अच्छी तरह से भूनेंगे मसालों को। मसाले हमारे भुन गए हैं, अब इसमें हम काजू और प्याज का पेस्ट को हम अच्छे से ब्राउन होने पर भूनेंगे। इसको चलाते रहे, काजू हमारे इनको नीचे लग जाएंगे, लगातार चलाते रहे इसको, इस तरह इसको चलाते रहें। और हम अब अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, उसको भी मैं साथ में इसे भून लूंगी। ये देखिए काजू हमारे लग रहे हैं थोड़े नीचे, इसको हमें लगातार चलाते रहना है क्योंकि काजू हमारे मीठे होते हैं और वो नीचे लग जाते हैं। इस तरह हमें इसको चलाते रहना है इस तरह, और इसको हमें ब्राउन होने तक भूनना है। ये देखिए प्याज और काजू हमारे बहुत ही अच्छे भुन के तैयार हैं, ब्राउन हो गए हैं पूरी तरह से। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हींग, लाल मिर्च पाउडर। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। हल्दी और लाल मिर्च हमारी भून के तैयार हैं, अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हमें लगातार ऐसे चलाते रहना है, आधा मिनट तक इसको ऐसे ही भूनना है मसाले में टमाटर को। ये देखिए आधा मिनट हो गई है, टमाटर हमारा भून के तैयार है। अब इसमें मलाई डाल देंगे, आप दूध भी ले सकते हैं और दही भी मिला सकते हैं इसमें। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे मलाई को मसाले में। इस तरह ये देखिए मलाई हमने अच्छे से मिक्स कर ली है मसाले में। अब इसमें हम ये आधा कप पानी लिया है हमने, ये देखिए अब इसको हम डाल देंगे। इसको चलाएं, ये देखिए काजू हमारे इसने मिक्स किए थे इसलिए ये साइड में लग रहा है, तो इसको हम ऐसे करके इसको चलाते रहें। इस तरह ये देखिए अब इसमें हम नमक मिक्स कर देते हैं। अब इसको हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि पानी हमारा अच्छे से पक जाए, उसके बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, पानी हमारा पक गया है इसमें मसाले में, तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम पनीर मिक्स कर देंगे। तो अब हम पनीर को
एक मिनट और पकने देते मसाले में अच्छी तरह से, मसाला हमारा अच्छे से बिक जाएगा पनीर में। तो इसके बाद हमारा शाही पनीर बनके तैयार हो जाएगा। इसको चलाते रहें लगातार और गैस का फ्लेम लो रखें। ये देखिए एक मिनट हो गएंगे, मसाला हमारे अच्छे से पनीर में मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं। हरे धनिया को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हरा धनिया हमने अच्छे से मिक्स कर लिया पनीर में। शाही पनीर हमारा बनके तैयार है। अब इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और हम गैस बंद। पनीर को हमने कढ़ाई में से इस बाउल में निकाल लिया। ये देखिए शाही पनीर हमारा बहुत ही अच्छा बना है, आप देख सकते हैं। आप प्लीज इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए, हमें ज़रूर बताइएगा हमारा शाही पनीर कैसा बना है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।